आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे तो बहुत मैसिव हिट आया था कोविड का, एंड वी ऑल गॉट कोविड पॉजिटिव. थिंग्स वर गोइंग फाइन टिल वी फाउंड आउट कि मेरी दादी जो है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई है, एंड शी इज 89 years old. तो आई वॉज अ बिट स्केयर्ड बिकॉज एट दैट एज यू आर हैविंग दैट कोविड, एंड आपको नहीं पता कि हाउ थिंग्स विल टर्न आउट टू बी. अब फर्स्ट वीक कुछ नहीं होता, बट सेकेंड वीक जो होता है कोविड का, इट्स मोर डेडली. तो वी यूज टू टेक ऑल द प्रिकॉशन, दवाइयाँ हम सारी ले रहे थे, वट एवर द डॉक्टर सेड वी वर डूइंग इट. सम हाउ मेरी दादी की जो कंडीशन है, इट इट गॉट वर्स. शी हैज अ प्रॉब्लम इन द नी, शी बेयरली वॉक्स, थोड़ा सा चलती हैं, वो थक जाती हैं. वो जब उनको कोविड हुआ, उनको बिल्कुल बेड रिडन हो गई, मतलब वो बेड से उठ नहीं सकती. एवरीथिंग फ्रॉम वॉशरूम टू ईटिंग समथिंग, एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन द बेड इटसेल्फ. तो ये सब हो रहा था. मीनवाइल मी माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स वी वर आल्सो गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. दवाइयाँ चल रही थी, वी वर आल्सो वीक. समहाउ व्हाट हैपेंड वाज माय फादर, उनकी तबीयत खराब हुई, एंड वी हैड टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल. वो सब चल रहा था साथ साथ में, एंड आई वॉज मैनेजिंग थिंग्स एट होम एज वेल एज द हॉस्पिटल. जाना आना आई वॉज डूइंग दैट कॉन्टिन्यूअसली. माई मदर वॉज ऑल्सो विद मी, हम लोग मैनेज करते थे. इन द मीन वाइल वाइल दिस प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल वॉज गोइंग ऑन, मेरी दादी की कंडीशन हैड वर्सन, एंड इट वॉज लाइक वीक टू. एंड बिकॉज हम फादर के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा कम था, एंड देयर वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. हम ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड करते थे रादर देन स्टेइंग एट होम. एट होम वी हैड गॉट अ अटेंडेंट कि एटलीस्ट वो देखभाल कर सके, बट things were not going so well. So what happened was she had stopped talking. मतलब she had stopped talking to us. She had stopped eating. मतलब वो थोड़ा सा खाती थी, and she used to say कि मेरा बस हो गया, मैं और नहीं खा सकती. And she used to sleep all day. मतलब 24 hours she is sleeping. So I was a bit worried कि ये क्या हो रहा है. तो तब दवाई, थोड़ी दवाइयाँ डॉक्टर ने चेंज करी. The डॉक्टर सेड कि थोड़ा स्टेरॉइड्स का डोज बढ़ाते हैं, एंड दिस वॉज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. तो जब डोज बढ़ाया तब शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकेशन, एंड शी वॉज फीलिंग बेटर. देन शी स्टार्टेड आस्किंग, उनको ये सब पता ही नहीं था कि पापा एडमिट हो चुके हॉस्पिटल में, एंड शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स. वन फाइन डे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, मैं देखता हूँ कि दादी ने फिर एज यूजल कुछ ज़्यादा खाया नहीं है. एंड आई आस्क कि बड़ी मम्मा, मैं उनको बड़ी मम्मा बुलाता हूँ, तो बड़ी मम्मा कि आपने आज खाया नहीं, फिर से थोड़ा सा खा लो, दवाई लेनी है. तो शी सेज कि मेरा ना आज मन नहीं है, क्योंकि मेरे को सपने में ऐसा आया कि दो बच्चों की मौत हो चुकी है. And I was like कि ये मतलब किसकी हुई है. मतलब पहला क्वेश्चन यही जाता है ना कि आप किसकी बात कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो. तो वो कहती नहीं, मेरे को पता नहीं, बस मेरे सपने में ऐसा आया है कि दो बच्चों की मौत हो चुकी है. तो जैसे कैसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचो, आप कोई बात नहीं, उठो खाना खाओ, सब थोड़ा बेटर फील होगा, टीवी देखो. जैसे कैसे मैंने बात वहां पे एंड करके उनको खाना खिला के दवाई दिलवा के वापस से सुला दिया. फिर मैंने मम्मा को जब ये बात बताई कि ऐसा ऐसा बोल रही है दादी कि कुछ, मतलब इज इट अ साइन कि ये कुछ होता है, या फिर आपको कुछ पता लगता है बाहर से कि कुछ हुआ है. तो द थिंग इज, उससे जस्ट 2 या 3 दिन पहले जो मेरी दादी हैं उनके जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ, शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम, शी हैड पास्ड अवे, एंड उनका सन हैड ऑल्सो पास्ड अवे. दैट सन वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू दादी. बोथ ऑफ देम हैड पास्ड अवे, एंड वी डिड नॉट टेल माई फादर और माई ग्रैंड मदर अबाउट दिस. बट सम हाउ शी हैड दैट एग्जैक्ट नंबर इन हर माइंड कि दो बच्चों की मौत हो चुकी है, एंड वो दादी उनको एज अ किड ट्रीट करती थी. ऑल द
all her life. She had treated her like that. And a similar experience has happened with me when my grandfather was passing away. He also was quoting something which was very, very absurd, but very true at that point of time. I don't remember it right now, but it was so true that, and we did not tell him. He aisa unko pata nahi tha, but somehow he spoke that exact same. So this is my experience is cheez mein ki somehow people when they pass away they tend to come into their dreams or in some way or the other ki unke dimag mein aate hain jo bhi unke loved ones hote hain and they try to communicate or they try to tell them. So this is what happened. Ultimately my dadi got recovered, touch wood. My father also got recovered, and after months of time, I think like recently 2 or 3 weeks back, we told them that this has happened. Tab tak unko koi idea hi nahi tha ki aisa ki wo log ja chuke hain wo do log. So this is one of the experience which I had in mind. It's not entirely horror, but this is something very supernatural, aur batana bada wo tha.